29 अगस्त को दिए जाते हैं। 29 अगस्त इसलिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर का जन्म दिवस होता है। यह पुरस्कार भारतीय खेल व युवा मामले मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं और अभी भारतीय खेल व युवा मामले मंत्रालय भारत सरकार के मंत्री किरेन रिजिजू हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार दोस्तों यह 1961 से देना प्रारंभ किया गया था। यह विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 से 4 वर्षों तक लगातार विशेष उत्कृष्ट प्रदर्शन के दौरान दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए की राशि व अर्जुन की कांस्य प्रतिमा तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 29 अगस्त को यह दिया जाता है। प्रथम बार 6 खिलाड़ियों को दिया गया था। दूसरा अवार्ड है अपना द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह प्रारंभ 1985 से किया गया है। इसमें विभिन्न खेलों के प्रशिक्षकों अर्थात कोच जो खेलों के खिलाड़ियों को सिखाते हैं उनको दिया जाता है विशिष्ट सेवा हेतु। इसमें भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र तथा यह भी 29 अगस्त को दिया जाता है। प्रथम बार 3 प्रशिक्षकों को दिया गया था, बालचंद्र भास्कर भागवत, ओम प्रकाश भारद्वाज बॉक्सिंग में, ओम नेमबार को एथलेटिक्स में। अपना अगला खेल पुरस्कार है राजीव गांधी खेल पुरस्कार। यह प्रारंभ किया गया था 1991 से। खेलों में सराहनीय व उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है यह। इसमें विशिष्ट एक सेवा एक मेडल होता है जो दिया जाता है। इसकी राशि है 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके प्रथम विजेता हैं विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद से आप सभी दोस्तों परिचित होंगे, यह शतरंज के खिलाड़ी हैं तथा 5 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं चेस का। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी हाल ही में दीपा मलिक को दिया गया था 2019 में और अभी 2020 के अभी नए अपडेट्स मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा जो मैं अपनी PDF बनाकर दे दूंगा। 29 अगस्त को ये दिए जाएंगे। उस दिन अनाउंस होते हैं नाम, मैं आपको PDF बनाकर डाल दूंगा। आप बने रहिए हमारे GK गुरु चैनल के साथ। अगला पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार इसका प्रारंभ 2002 में किया गया था। यह खेल के जीवन भर उपलब्धियों के लिए मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए देता है दोस्तों। ये एक खेल में बहुत ही सालों तक अच्छा प्रदर्शन किए जाने पर उसके आधार पर दिया जाता है। इसमें भी 5 लाख रुपए मेजर ध्यानचंद जी की प्रतिमा व प्रशस्ति पत्र दिए जाते हैं। प्रथम विजेता है अशोक दीवान हॉकी के लिए, अपर्णा घोष बास्केटबॉल, शाहू राज ब्रिजदार मुक्केबाजी के लिए। ये सभी अवार्ड 29 अगस्त को दिए जाएंगे दोबारा पुनः। तो मैं आपको ये इसकी PDF डाल दूंगा तथा आप इनको देख लें। यह इंडिया GK विभिन्न परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है तथा 29 अगस्त 2020 को नया अपडेट्स आ जाएंगे इन सभी के, तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और यह अपना चैनल है GK गुरु, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको फैला दो यार। और आप जिस भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण है। तथा आपको बता देता हूँ मैं कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी होते हैं। और मैं आपको वो 29 अगस्त को लिस्ट आते ही मैं आपको
बता दूंगा जल्द ही, अभी नाम अनाउंस हो रहे हैं इनके, इनके नाम अनाउंस नॉमिनेशंस होते हैं फ्रेंड्स।